हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो विंटर्स आ गई हैं और विंटर्स में हमारी जो स्किन है, बॉडी है, वो मांगती है और ज़्यादा मेंटेनेंस, और ज़्यादा हमें अपनी स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर और ज़्यादा करनी पड़ती है विंटर्स में। स्पेशली ये चेंजिंग सीजन की वजह से मेरी स्किन में तो काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं एंड ये सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर। सो हम लोग हेयर केयर रूटीन से स्टार्ट करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा पूरा बॉडी केयर रूटीन फॉर विंटर्स, अभी जो रीसेंट प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड गाइज, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अलग अलग ब्रांड से हैं और मैं आपको पूरा अपना रूटीन बताने वाली हूँ। बट गाइज, ये तो बात ज़रूर है कि हमारी स्किन में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं मेरी एक्ने की केयर अच्छे से कर रही हूँ पर फिर भी मेरी स्किन पर कहीं ना कहीं न्यू एक्ने आ ही जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ मैं केयर करती हूँ बट कोई ना कोई और इशू आता ही है। तो मेरे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हैं कि सारे के सारे स्किन इश्यूज़ को आप टैकल कैसे करो, उससे डील कैसे करो, बट हाँ, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। प्रोडक्ट्स जैसे मैं कंटिन्यू रखती हूँ यूज़ करना तो मेरी स्किन की क्वालिटी, हेयर की क्वालिटी, सब कुछ मेंटेन रहती है। तो सबसे पहले गाइस, स्टार्ट करते हैं हेयर केयर रूटीन से। एंड हेयर केयर के लिए आई यूज़ दिस हेयर मास्क फॉर माई हेयर। ये है फॉरेस्ट एसेंशियल्स का हेयर मास्क। सबसे पहले मैं इसको मेरे हेयर पे अप्लाई करूँगी। अब मुझे चाहिए कि मेरे हेयर लॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग हो, हेल्दी हो, हेयर फॉल ना हो, उसके लिए ये पूरा हेयर केयर रूटीन है मेरा। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मास्क में थोड़ा सा लूँगी बट इसको मैं डाइल्यूट करूँगी। एक्चुअली फॉरेस्ट एसेंशियल्स में मैं गई थी, उस शॉप पे भी उनने मुझे कहा था कि इस मास्क को डाइल्यूट करना, दही के साथ मिक्स कर लेना या वाटर के साथ मिक्स कर लेना। मुझे लगा पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, बट अब मुझे समझ में आया वो इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये मास्क थोड़ा ज़्यादा थिक है। तो ये मास्क जो है पहले मैं ले लूँगी एक बोल में। सो इतना हेयर मास्क मैंने बोल में लिया है एंड अब इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर दूँगी इसको डाइल्यूट करने के लिए, बिकॉज ये बहुत थिक है तो ये बहुत अच्छा बट थोड़ा सा थिक है, उसको डाइल्यूट करना ज़रूरी है। और दही मैं नहीं अप्लाई करूँगी बिकॉज सर्दियाँ हैं और सर्दियों में मैं नहीं चाहती कि मुझे ठंड लग जाए और फिर मुझे सबसे डांट पड़े कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे इतनी ठंड लग गई। सो आई विल जस्ट मिक्स इट एंड नाउ यू कैन सी द कंसिस्टेंसी, कितना स्मूद हो गया है ये हेयर मास्क। ओके, सो इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है बट मैं अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए सॉफ्ट मैनेजेबल हेयर। अभी जो मास्क है गाइज, मैं जो बता रही हूँ फॉरेस्ट एसेंशियल्स की, मैं एक रेंज यूज़ कर रही हूँ। पता है फॉरेस्ट एसेंशियल्स में क्या है, एक्चुअली ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मतलब इनमें क्या है कि आपके हर हेयर कंसर्न के अकॉर्डिंग, मतलब हेयर कंसर्न के अकॉर्डिंग भी, और प्लस आपको जो अपने बाल जैसे चाहिए, मतलब जो आपको अपने हेयर ग्रोथ चाहिए या स्ट्रेट हेयर चाहिए, क्या चाहिए, मतलब आपको जो आपका गोल है, हेयर गोल, उसके अकॉर्डिंग जो है रेंजेस हैं अलग अलग। तो मैंने ये वाली रेंज चूज़ करी है जो है जपापति एंड ब्राह्मी। यस, सो इस हेयर केयर का सबसे पहले मैं मास्क अप्लाई करूँगी बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट सॉफ्ट मैनेजेबल हेयर। एंड अब मैं इसको पूरी मेरे हेयर पहले स्कैल्प पे लगाऊंगी, लेंस पे बाद में, बट सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि स्कैल्प भी कवर हो क्योंकि स्कैल्प कवर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं देखूँगी, ओवर भी नहीं लगाती हूँ मैं इसको, बस मुझे लगता है कि स्कैल्प जो है मेरी अच्छे से कवर हो जाए, बस ये अच्छे से हो जाए। जैसे पानी डालने से ना थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है तो हमको इतनी बार, मतलब बार बार देखो सेक्शंस नहीं बनाने पड़ेंगे। देखो ये वाले सेक्शन में जैसे ऑलरेडी ये हेयर मास्क आ गया, मतलब मुझे फील हो रहा है बिकॉज वो डाइल्यूट हो गया था। सो ऑलरेडी ये हो जाता है। और गाइस, ब्लो ड्राइंग से मैं ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए थे बिकॉज ब्लो ड्राइंग क्या करता है ना कि भाई ब्लो ड्राइंग करिए आप तो आपके बाल स्ट्रेट अच्छे से बैठेंगे, मतलब बालों को सेट कर देता है, बट उससे डैमेज बहुत होते हैं बाल। तो इसलिए मास्क अप्लाई करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पर अब मैंने क्या किया, पहले मैं क्या करती थी, सैलों में जाती थी और इजीली बहुत हेड वॉश, ब्लो ड्राई करवा लेती थी, बट अब मैं ऐसा नहीं करती बिकॉज मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए थे। सो अब मैं घर पर ही अपना शैम्पू करती हूँ और ये मेरी जो आदत है ना पिछली विंटर्स से लगी थी क्योंकि मुझे शैम्पू करने में बहुत ठंड लगती थी और मेरे लंबे बाल हैं तो वो ड्राई करने में बहुत बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैं सैलों से जाके करवा लेती थी और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता था, 500 रुपीज़ का ही होता था, तो मुझे लगता था ठीक है। बट क्या है कि जो ब्लो ड्राई की एयर होती है ना गरम गरम, उससे बाल बहुत डैमेज होते हैं। सो इसलिए मैंने अब बंद कर दिया है एंड अब मैं अपने बाल खुद ही, मतलब घर पे वॉश करती हूँ। ओके गाइस, सो ये फ्रंट स्कैल्प पे लग चुका है एंड अब मैं इसको बैक स्कैल्प में लगाती हूँ। अब बैक स्कैल्प पे लगाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा लेकर बस एक ही बार में सारा अप्लाई कर लूँगी, जैसे मैं अच्छे से इसको मेरे हैंड्स में लेकर और पीछे पूरा अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड आई विल मेक श्योर ये गिरे नहीं, बस वैसे ही जैसे हम बालों में ऑयल लगाते हैं वैसे ही। बस इसलिए है कि मैं इसको मसाज नहीं करती हूँ अप्लाई करके। सो पीछे जो है थोड़ा और लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मैंने मास्क बना लिया है और मुझे इसको वेस्ट नहीं करना है।
अब लेंस को मैं इग्नोर नहीं करूँगी क्योंकि हेयर लेंस ही है, मेरी जो ब्लो ड्राई से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, इनकी भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। बस मास्क लगाते रहे, मुझे एक ही चीज़ डर लगती है कि ये गिर ना रहा हो। अभी तक तो सक्सेसफुली अप्लाई हो रहा है। ये वाला जो मेरे हेयर है ना, बेसिकली ये वाले, ये बहुत डैमेज हुए थे ब्लो ड्राई से, मतलब डैमेज इन द सेंस बहुत फ्रिजी हो गए थे और फिर लाइक थोड़े खड़े खड़े रहने लग गए थे, मतलब इस टाइप के ड्राइनेस की वजह से। बिकॉज ब्लो ड्राई क्या करता है ना, वो एक्चुअली बालों को ड्राई कर देता है, बालों का सारा मॉइस्चर खींच लेता है। सो हेयर जितने ड्राई होंगे उतने, आपने देखा होगा स्ट्रेटनिंग करवाने के बाद या ब्लो ड्राई कराने के बाद हेयर क्या है, खड़े खड़े होने लग जाते हैं। वो स्टैटिक चार्ज की वजह से नहीं होता, वो क्या है उसकी पूरी मॉइस्चर निकल जाता है तो वो ऐसे थोड़े थोड़े खड़े होने लग जाते हैं। सो अब मैंने बन बना लिया है एंड इस हेयर मास्क को बस मैं 15 मिनट्स के लिए मेरे बालों में रखूंगी एंड देन आई विल वॉश माय हेयर। सो गाइस 15 मिनट्स हो चुके हैं मास्क को अप्लाई करे और अब मैं करूंगी मेरे बालों को शैम्पू एंड आई विल बी यूजिंग दिस फॉरेस्ट एसेंशियल्स शैम्पू। अब ये भी हेयर क्लेंजर जो है, ये भी जपावती एंड भ्रामी में है। मैंने बताया था कि मैं यही इसी रेंज को यूज कर रही हूँ, सो मैं ये यूज कर रही हूँ जपावती एंड भ्रामी का शैम्पू एंड मैं ये सेम कंडीशनर में यूज करूंगी। सो ये मैं अभी फिलहाल मैं फॉरेस्ट एसेंशियल्स की ये वाली रेंज यूज कर रही हूँ। मैंने मेरे बालों को गीला कर लिया है, हेयर मास्क हट लिया है एंड अब शैम्पू की बस मैं थोड़ी सी क्वांटिटी अप्लाई करती हूँ, ज्यादा नहीं। सो यू कैन सी हियर, बस इतनी क्वांटिटी में शैम्पू की अप्लाई करती हूँ, इससे ज्यादा नहीं अप्लाई करती हूँ। सो ये पूरे स्कैल्प में लग जाता है। एंड गाइस मैं जब पार्लर गई थी ना, उन्होंने मुझे ये बताया कि हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताओ मुझे, मेथड्स मत बताओ कि उनके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए, मतलब हेयर फॉल का जो रूट कॉज है वो बताओ, मतलब इतने लोगों को हेयर फॉल क्यों होता है, मतलब उनके बाल इतने कम क्यों हो जाते हैं, मतलब पूरे आधे रह जाते हैं। तो उन्होंने मुझे ये रीजन बताया कि बिकॉज लोगों के बालों को क्लीन नहीं करते हैं रेगुलरली, मतलब शैम्पू जो है आपको करना चाहिए एवरी थर्ड डे। मेरा तो ऑयली स्कैल्प है और मैं कभी कभी मेरा भी 4th-5th day को ज्यादा सारा सिंह सर्दियां हैं कुछ भी है, तो हमेशा एवरी थर्ड डे अगर उन्होंने बोला शैम्पू अगर, मतलब बाल क्लीन रहेंगे तो क्या हेयर फॉल नहीं होगा, क्योंकि जो डर्ट है वो हमारे हेयर में स्कैल्प में पूरी चिपक जाती है, उसकी वजह से ही हमारा जो है हेयर फॉल होता है। तो डर्ट हमारे बालों में बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, चाहे आप मास्क अप्लाई करो नहीं करो, मास्क चलो वीक में एक बार अप्लाई कर लिया, बट शैम्पू जो है एवरी थर्ड डे करना बहुत जरूरी है। और जैसे मैं ये शैम्पू कर रही हूँ, ये इतना लैदर नहीं होता है बट ये मेरे पूरे स्कैल्प को क्लीन कर देता है। और अब मैं इसको जैसे पूरे मेरे स्कैल्प में अच्छे से मेरी फिंगर्स से लगाऊंगी ताकि कोई एरिया ना रह जाए, बट आई विल बी जेंटल ऑन माई स्कैल्प, मैं बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से अपने स्कैल्प को रब नहीं करूंगी। एंड लाइक ध्यान रखना कि आप जो क्लीनिंग करते हो वो ल्यूकवॉर्म वाटर से ही आप करो, वार्म वाटर से नहीं। ल्यूकवॉर्म वाटर सही रहता है बिकॉज वार्म वाटर से क्या होता है ना कि आपके जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाता है, बॉडी के लिए भी सेम चीज़ है, बॉडी ड्राई हो जाती है, स्कैल्प ड्राई होगा तो फिर डैंड्रफ बनेगा एंड देन डैंड्रफ के बाद में जो है आपका हेयर फॉल इजीली होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर आप ल्यूकवॉर्म वाटर से ही शैम्पू करें। एंड आफ्टर दिस मैं यही कंडीशनर अप्लाई करने वाली हूँ, बहुत थोड़ा सा लूंगी, ज्यादा नहीं, बिल्कुल जरा सा लिया है मैंने। एंड इसको मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी हेयर लेंस पे अप्लाई करूंगी, सिर्फ ये जो लेंस है इन पर, बिल्कुल भी स्कैल्प पे नहीं, क्योंकि अगर स्कैल्प पे अप्लाई करने से क्या होता है ना कि ये हेयर के रूट्स को वीक कर देता है, मतलब बहुत सॉफ्ट कर देता है, जिससे क्या होता है लिटरली आपके जो वो हेयर है वो गिर ही जाएंगे। पर हाँ, इसको लेंस पे अप्लाई करने में कोई रिस्क नहीं है क्योंकि लेंस को तो ये सॉफ्ट करता है, पर आप देख सकते हो मैं स्कैल्प पे बिल्कुल टच नहीं कर रही हूँ, यहाँ से बस मैं अप्लाई कर रही हूँ बस, और 2 मिनट्स रखूंगी उसके बाद मैं इसको वॉश कर दूंगी और पानी से मैं इसको अच्छे से रिंस कर लेती ताकि मेरे बालों में ना रहे। नाउ फॉर द बॉडी वॉश आई यूज दिस बॉडी शॉप ब्रिटिश रोज बॉडी वॉश, ये ऋषि ने मुझे रिकमेंड किया था कि यूज करने के लिए और तब से मैं ये यूज कर रही हूँ, मतलब मुझे काफी अच्छा लगता है, माइल्ड है ये। एंड लूफा में बस मैं थोड़ा सा बॉडी वॉश लूंगी, ज्यादा नहीं, बस इतना ही लूंगी एंड आई अप्लाइड ऑन माई बॉडी। लूफा से अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है एंड आई रब इट जेंटली ऑन माई स्किन। इसको यूज करते हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है। एंड फॉर द फेस वॉश आई यूज दिस लॉरियल पैरिस ग्लाइकोलिक ब्राइट फेस वॉश, अगेन बस इसकी भी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके मेरे फेस पे पूरा लादर कर लूंगी इसे। सो ये फेस वॉश मैंने अभी अभी यूज करना स्टार्ट किया है और ये काफी अच्छे से लादर हो जाता है एज यू कैन सी। सो फेस एंड बॉडी वॉश हो चुका है एंड अब इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी बॉडी लोशन।
एंड आफ्टर दिस आई अप्लाई माई बॉडी लोशन. पहले समर्स में आई यूज टू अप्लाई दिस पैराशूट कोकोनट ऑयल, बट ये जो है विंटर्स में फ्रीज हो जाता है. सो नाउ आई यूज दिस पैराशूट बॉडी लोशन एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर माई बॉडी एंड आई लाइक द वन विद द पंप एज इट इज क्विक टू टेक आउट एंड यूज. दिस इज अ स्टेप विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ये बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए हमको, चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स, क्योंकि बॉडी को नरिशमेंट चाहिए ही होता है. हमारी बॉडी नरिशमेंट मांगती है एंड जितना अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखोगे, मेरे को ये पता है ये चीज़ कि जितना आप मॉइस्चराइज रखोगे उतना लेट आपकी बॉडी जो है एज होगी. बिकॉज क्या होता है जो रिंकल्स आते हैं ना मेनली वो ड्राई स्किन की वजह से होता है. अभी आप देखोगे ड्राई स्किन के जो लोग होते हैं उनको जल्दी रिंकल्स आते हैं बिकॉज वो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं रख पाते इतना ज़्यादा, बार बार उनकी स्किन ड्राई हो जाती है. और ऑयली स्किन वालों को भी रिंकल्स जल्दी आ सकते हैं अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे. और ड्राई स्किन वाले जो है अपनी स्किन को दिन में एक बार ज़रूर मॉइस्चराइज करें एंड ऑयली स्किन वालों को भी करना ज़रूरी है ऑब्वियसली. बट जब आप फेस वॉश करते हो तो फेस वॉश इसमें दिन में दो तीन बार करते हो, उसके बाद में क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो बॉडी लोशन मैंने लगा लिया है एंड अब इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी हेयर सीरम एंड मैं केरिस्टास का हेयर सीरम यूज़ करूँगी. इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी होती है एंड इट मैनेजेस माय हेयर. अब मेरे हेयर जो है ना थोड़े से फ्रिजी हैं बट आप देख सकते हो कि ये एकदम से जो है ना हेयर को मेरे स्मूथ कर देता है. ये देखो एकदम से इसने जो है मेरे बालों को स्ट्रेट एंड स्मूथ कर दिया. सो अब क्या जैसे मेरे हेयर ड्राई हो जाएंगे ना उसके बाद मैं एक बार इसको लगा लूँगी. जब जब मुझे लगता है मेरे बाल थोड़े फ्रिजी हो रहे हैं तो मैं लगा लेती हूँ बट आई लेट माई हेयर एयर ड्राई बिकॉज मेरे ब्लो ड्राई से बहुत डैमेज ऑलरेडी हो चुका है जैसे मैंने आपको बताया था. सो चाहे दो तीन घंटे लगे बट मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ ड्राई होने के लिए. एंड फॉर माई अंडरआर्म्स आई अप्लाई दिस निविया रोल ऑन एंड दिस इज एपिक. आपके जो अंडरआर्म्स हैं उनमें स्वेटिंग नहीं होती है एंड योर अंडरआर्म्स रियली स्मेल गुड टिल द नेक्स्ट डे. सो ये तो मेरा गो टू प्रोडक्ट है और मैं ये क्या है नेचुरल ग्लो सेंसिटिव वाला यूज़ करती हूँ. सो इसने मेरे अंडरआर्म्स को डार्कन तो बिल्कुल नहीं किया है. पर अगर आप लोग चाहते हो कि आप रोल ऑन ना यूज़ करो तो जैसे वेट अंडरआर्म्स में आप एलम जो होता है फिट करी उसकी भी एक छोटा सा बार आता है वो आप यूज़ कर सकते हो अंडरआर्म्स में. तो उससे क्या होगा आपके अंडरआर्म्स जो है बैड स्मेल नहीं करेंगे, स्वेट नहीं करेंगे बट उसमें क्या है खुशबू नहीं आएगी. एंड ये जो है ना एलम का काम करता है, मतलब आपके अंडरआर्म्स जो है स्वेट नहीं करती हैं, स्मेल नहीं करेंगी बट क्या है कि ये खुशबू भी ऐड करता है अंडरआर्म्स में. तो मुझे वही सही लगता है कि डायरेक्टली ये लगा लो फिर एलम क्यों लगाना. पर हाँ बहुत लोग सोचते हैं कि अंडरआर्म्स को डार्कन करता है बट ऐसा कुछ नहीं क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ. फॉर माई फेस क्रीम आई यूज़ दिस जॉनसन्स बेबी फेस क्रीम. इस क्रीम से ज़्यादा बेटर क्रीम मुझे कोई नहीं लगती है बिकॉज क्या है कि मैंने जितनी भी क्रीम्स ट्राई करी हैं चाहे जितने भी बड़े ब्रांड्स की ट्राई करी हूँ, बहुत बार मैंने अच्छे ब्रांड्स की क्रीम्स भी ट्राई करी हैं बट ये जो है जिस तरीके से मेरी स्किन को मॉइस्चराइज करती है वैसे कोई क्रीम नहीं करती है. बिकॉज गाइज ये जो है उसका टेक्स्चर बहुत अच्छा है या क्या है मुझे सीरियसली नहीं पता और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ये. लाइक अराउंड आई थिंक 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ की आती है, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है बट आई डोंट नो ये क्रीम का जो टेक्सचर है मेरी स्किन के लिए बेस्ट सूटेड है. और मेरी नॉर्मल स्किन टाइप है, ऑयली टू नॉर्मल स्किन टाइप आप बोल सकते हो बट ये क्रीम जो है चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो मैं यही क्रीम अप्लाई करती हूँ. बिकॉज अगर कोई और क्रीम से मैं एक्सपेरिमेंट करूँ तो या तो मेरी स्किन बहुत ऑयली फील होगी या फिर थोड़ी देर बाद मेरी स्किन जो है ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी ड्राई फिर से फील होने लगती है. तो मुझे लगता है कि जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ उसके बाद ये क्रीम मैं ज़रूर लगाती हूँ एंड अभी तक तो मैं इसी क्रीम पर स्टिक हुई हूँ जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है. एंड इसके बाद मेरे पास एक और फेस क्रीम है, ये है फेस शॉप वाइट सीड ब्राइटनिंग लोशन. सो ये एक फेस क्रीम है फेस शॉप के ब्रांड की, आई डोंट नो इसका नेम यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है. सो ये फेस शॉप के ब्रांड की है, ये क्या है स्किन को ब्राइटन करती है बट एक्चुअली द इशू इज़ कि जैसे मैं फेस पे लगाती हूँ वही मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी में है तो फेस जो है मेरा फिर से थोड़ी देर बाद ड्राई फील होने लगता है. तो इस क्रीम की मिस्टेक नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि वो फेस को अच्छे से मेरे डीपली नरिश नहीं कर पा रही है. सो मैं क्या करती हूँ अब मेरे को लगा मैंने क्रीम मंगवा तो ली है तो अब मैं इसको क्या है अपने आर्म्स पे लगा लेती हूँ. जैसे मेरी आर्म्स की जो है टैनिंग जो है इससे काफ़ी हट गई है, मतलब पहले मेरी आर्म्स जो है बहुत टैन हो गई थी. सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव टू रिमूव द टैन फ्रॉम योर स्किन. एंड सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो और अगर आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो भी दिन में एक बार सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है. और अगर आप सन में है 3 से ज़्यादा घंटे तक तो फिर आपको एवरी थर्ड आवर ये सनस्क्रीन अप्लाई करनी है. और मैं ये प्लम की सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ जिसमें है SPF 50 एंड PA++++. अब मैं इसको अच्छे से लूँगी, एक अच्छी क्वांटिटी में भी इसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है. ऐसे 2 लाइंस बना लें तो इनफ है, ये सनस्क्रीन की इतनी क्वांटिटी तो आपको लगानी ही है अपने फेस पे. और बॉडी के लिए मैं अलग सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ तब जब मैं बाहर जाती हूँ, नहीं तो घर पे तो मैं यही सनस्क्रीन को अपनी बॉडी पे लगा लेती हूँ बस एक्सपोज एरियाज़ पे. जैसे कि मैंने एक शॉर्ट स्लीव का टॉप पहना है तो आर्म्स पे लगा लूँगी, पैरों पे लगा लूँगी ताकि जो है क्योंकि ये जो यूवी रेज होती है ना ये घर में भी हमारी स्किन को हार्म करती है
एंड गाइज ये इतना हार्म करती है कि आपकी एजिंग जल्दी हो जाएगी। यस गाइज ये बिल्कुल प्रूवन बात है कि जब भी आप सनस्क्रीन लगाना बंद कर दोगे या फिर सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपकी जो स्किन है वो जल्दी एज होने लग जाएगी, जल्दी लटकने लग जाएगी, सैग होने लग जाएगी और आपके फेस पे रिंकल्स जल्दी आने लग जाएंगे। और मेरी जैसे स्किन है, मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया था कि वो पतली होने लग गई थी और मेरी आईलिड्स पे जो है थोड़ी थोड़ी वेंस दिखने लग गई थी बिकॉज जो है मैं सनस्क्रीन अपनी स्किन पे नहीं लगाती थी। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिंकल्स आ जाएंगे। तो इसलिए जो है सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिटरली ये आपको जो है ना जल्दी एजिंग होने से बचाती है, बिकॉज जो सन है, जो यूवी रेज है, वो आपकी स्किन को जल्दी एज कर देंगी, जल्दी आप एजेड लगने लगोगे, जल्दी आप ओल्ड लगने लगोगे। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए रोज़ सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं पहले बिल्कुल सनस्क्रीन नहीं लगाती थी, बट जो मेरी सिस्टर है करीना, उसने मुझे बोल बोल के सनस्क्रीन लगाने की आदत डाली है। मुझे डॉक्टर ने भी फिर वो ऑन कर दिया कि आपकी स्किन जो है थोड़ी थिन हो रही है, मतलब आई एरिया के अराउंड जो स्किन होती है वो थोड़ी थिन हो रही है। तो उसके बाद मैंने खुद ने ही डेली सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दिया। एंड ये है मेरी लिप बाम। सो ये है कौमुदी प्योर घी लिप बाम। सो गाइज ये लिप बाम जो है दिस इज़ मेड ऑफ प्योर घी और ये मेरी फेवरेट लिप बाम है। काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक ये फोर्थ और फिफ्थ लिप बाम होगी जो मैंने मंगवाई है, चार ऑलरेडी खाली हो चुकी हैं। सो ये लिप बाम मेरी फेवरेट बिकॉज ये प्योर घी से बनी है एंड दिस इज़ वॉट आई लाइक अबाउट इट। तो मैं यही वाली चूज़ करती हूँ और यही वाली अप्लाई करती हूँ। सो गाइज आई एम रेडी और ये था मेरा विंटर डे स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन, बॉडी केयर रूटीन। और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन सोने से पहले। सो गाइज इट्स फाइनली नाइट टाइम और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन। तो ये स्किन केयर रूटीन बहुत सिंपल है बट बहुत ज़रूरी है करना, बहुत ज़रूरी है, मतलब इतना ज़रूरी है कि डे स्किन केयर रूटीन से भी ज़्यादा, क्योंकि पूरे दिन में जो हमारे फेस में डस्ट एक्यूमुलेट होती है उसकी वजह से एक्ने, पिंपल्स, पता नहीं क्या क्या इशू हो जाते हैं। सो नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करना तो बहुत ज़रूरी है। सो मैं अपने स्किन केयर रूटीन के लिए क्या करती हूँ, सबसे पहले तो पूरे फेस की डर्ट हटाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आई यूज़ दिस बायोडर्मा क्लेंजर। अब ये फेस क्लेंजर का मैं जितना बेनिफिट बताऊँ उतने कम है। एक्चुअली मुझे फेस पे बहुत एक्ने होना स्टार्ट हो गया था तो तब से मैंने फिर ये क्लेंजर यूज़ करना शुरू किया एंड लिटरली अब मैं बता रही हूँ कि मैं जैसे एक दो दिन भी क्लेंजर नहीं यूज़ करती तो मेरे फेस पे फिर से एक्ने पॉप अप होने लग जाता है। मतलब ये क्लेंजर क्या है लिटरली, मतलब मैं फेस वॉश भले ही यूज़ कर लूँ बट अगर मैं इसको नहीं यूज़ करती हूँ तो एक्ने ज़रूर होता है। और मैं अभी आपको इसका रीज़न बताऊँगी कि ऐसा क्यों होता है, यू विल बी शॉक टू सी। सो आप देखो जैसे मैंने अपना पूरा फेस वाइप किया अच्छे से, प्रॉपरली फेस वाइप करना है इससे, प्रॉपरली लाइक नोज आपका प्रॉपर, मतलब हर चीज़ जो है आपको वाइप करनी है क्लियरली इससे, इंक्लूडिंग योर नेक। सो मैंने बस थोड़ा सा मेरे कॉटन पैड पे लिया और मैंने इसको पूरा वाइप कर दिया एंड अब आप देखना इसने पूरे मेरे डे की डर्ट, कितनी डर्ट मेरे को लग भी नहीं रही होगी, आपको भी नहीं लग रही होगी कि मेरे फेस पे होगी, बट इसने कितनी डर्ट रिमूव करी है वो आप देखना। सो ये है सारी डर्ट जो मेरे फेस पे थी जो इसने रिमूव करी है, इतनी सारी। सो ये देखने से लगता नहीं है बट ये बहुत अच्छे से जो है स्किन को क्लीन कर देता है। अब इस डर्ट की वजह से क्या होता है, अगर ये डर्ट मेरी स्किन से नहीं हटती, डीप क्लीनिंग करता है बेसिकली, तो अगले दिन कहीं ना कहीं मुझे एक्ने होता है। तो मैं तो उसको डेली यूज करती हूँ। सो ये बस एक कॉटन पैड से मेरा काम हो गया एंड दिस आई मेक श्योर कि हैंड्स हमेशा क्लीन हो, तभी मेरा स्किन केयर रूटीन जो है यूजफुल होगा, वरना तो कोई फायदा नहीं है। गंदे हैंड से किया तो अगले दिन फिर एक्ने होना है ही फाइनल है। सो मैं फेस पे डार्क सर्कल्स अवॉइड करने के लिए ये वाली क्रीम यूज करती हूँ। दिस इज द डॉट इन की विटामिन सी सुपर ब्राइट नाइट क्रीम। अब इसमें क्या है ना, दो मेन चीजें हैं विच इज विटामिन सी एंड कैफीन। ये दोनों हमारी आईज के लिए बहुत अच्छी होती है डार्क सर्कल्स हटाने के लिए एंड सबसे बेस्ट चीज है कि ये इसका रोलर है। इस रोलर से क्या होता है कि आपकी आईज को बहुत सूदिंग इफेक्ट मिलेगा बिकॉज ये बहुत ठंडा होता है एंड ये डार्क सर्कल्स को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ बहुत सही है। आपने बहुत सारे हैक्स में भी देखा होगा कि जैसे वो स्टील के स्पून्स लगाते हैं अपनी आँखों में पफी आईज़ को हटाने के लिए, डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए, ये भी वही हेल्प करता है कि आपकी आईज़ को पफी नहीं होने देता है और डार्क सर्कल्स नहीं आते हैं। वैसे हाँ अगर आईज़ का मैं ध्यान ना रखूँ तो मेरे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, ध्यान रखना आईज़ का बहुत ज़रूरी है। मतलब कि फ़ोन नहीं यूज़ करना है, मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ क्रीम्स लगा रही हूँ और फ़ोन यूज़ करूँ और सब कुछ अंधेरे में आराम से। जो ब्लू रेज वाले ग्लासेस आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं जब आप अंधेरे में फ़ोन यूज़ कर रहे हो या जब भी यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपके डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। एंड ये हो गया मेरा आई क्रीम एप्लीकेशन। सो मेरे पिंपल्स एक्ने के लिए आई यूज़ दिस जेल, दिस इज़ द सैलिसिलिक एसिड जेल। सो इसका नोजल है जिससे बहुत ही ईजीली जहाँ जहाँ एक्ने हैं वहाँ मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ।
बस थोड़ा सा ही अप्लाई करना होता है, जस्ट अ डॉट। बट यही है कि एक्ने उससे रिमूव तो हो जाता है, बट देन अगेन नए एक्ने ना आए तो उसके लिए आपको स्किन केयर रूटीन तो फॉलो करना ही होगा। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज, एज यू ऑल नो, आई यूज दिस कौमुदी लिप बाम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई। अगर आप चाहते हो कि मॉर्निंग में आपके लिप्स सॉफ्ट लगें, स्मूथ लगें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डेली इसको अप्लाई करो। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम लिपस्टिक्स अप्लाई करते हैं तो हमारे लिप्स बहुत पैची लगते हैं, फिर हमें लगता है कि इतने पैची क्यों लग रहे हैं। बट अगर डेली आप लिप बाम अप्लाई करोगे तो व्हेनेवर यू अप्लाई लिपस्टिक्स तो बहुत स्मूथ एप्लीकेशन होगा और कोई भी मैट लिपस्टिक्स में आपके लिप्स में क्रैक्स कभी नहीं दिखेंगे। सो इसलिए मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं डेली इसको अप्लाई करूँ ताकि बाद में जब मैं मेकअप अप्लाई करूँ तो मेरा बिल्कुल फ्लॉलेस मेकअप लगे। सो ये मैंने लिप बाम अप्लाई कर लिया है एंड रात को मैं बाल खोल के ही सोती हूँ, और बंद करके तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज उससे ब्रेकेज होता है। और ये जो सीरम है जो मैंने दिन में आपको दिखाया था, यस दिस सीरम, ये मैं यूज़ करती हूँ नाइट में भी एक बार, ताकि मेरे बालों में जितनी भी फ्रिजीनेस है वो चली जाए। जैसे थोड़े थोड़े कर्ल्स आ रहे हैं, थोड़ी फ्रिजीनेस है, तो ये मैं चाहती हूँ कि चली जाए, तो मैं इस सीरम को यूज़ करती हूँ। सो सी, जैसे मैं थोड़ा सा बस सीरम अपने हैंड में लूँगी, जस्ट दिस मच, एंड इसको मिक्स करके मेरे हेयर में अप्लाई कर लूँगी। ऐसे मैं करती रहती हूँ बिकॉज मुझे अपने हेयर नेचुरली ही रखने हैं, ब्लो ड्राई नहीं करने, तो थोड़ा कुछ तो अप्लाई करना ही पड़ेगा जिससे आपके हेयर जो है स्ट्रेट रहें, स्मूथ रहें, फ्रिजी नहीं रहे। मेनली टेक्सचर चाहे कोई भी रहे बट फ्रिजी नहीं होने चाहिए। सो बस यही है, एंड आप डिफरेंस देख सकते हो कि हेयर एकदम स्मूथ हो गए हैं। सो दैट्स इट गाइज, ये है मेरा कंप्लीट विंटर डे एंड नाइट स्किन केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर रूटीन। एंड इफ यू वुड लाइक टू सी मोर सच वीडियोज कमेंट बिलो, एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।